वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। एक सम बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का माप ज्ञात कीजिए। सम बहुभुज यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं और सभी एंगल समाप्त होते हैं, उसकी साइड 9 है, तो उसके प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का नाप आपको बताना है। देखिए, कोई भी जो सम बहुभुज होता है उसके एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं उनका क्या सम होता है? 360 डिग्री होता है। ये आपको एक ध्यान रखना है। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और अगर वो सम बहुभुज है यानी कि रेगुलर पॉलीगन है, तो इसका मतलब हुआ कि जितने इसकी साइड है उसके अंदर हम उसमें सब में जो है बराबर होंगे एक्सटीरियर एंगल। 360 को 9 साइड है तो 9 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। 360 डिग्री को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो गया। अगर 9 साइड वाला कोई सम बहुभुज है उसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा, यानी उसका प्रत्येक बेस कोण 40 डिग्री का होगा। क्लियर। अब इसका जो पार्ट दूसरा है वो है कि 15 साइड वाला। अभी हमने पहले 9 साइड वाला किया था, तो वही है कि सभी साइड का योग होता है 360। साइड कितनी है? 15। तो एक साइड का कितना हुआ? इसको आप काट दो तो ये आ जाएगा 360 में 15 का भाग दिया, ये देखो, ये दे लो आप 360, इधर लिखो 15, ठीक है। वन टाइम गया, टू टाइम गया तो ये 30 हो गया। 6 बचा, 6 और 0, अब गया कितने था? 15 चौका 60, फिर 15 फोर जा 60, यानी 24 डिग्री होगा प्रत्येक बाहर वाला को। ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी 24 डिग्री। क्लियर। अब ये दोनों के पार्ट के आंसर यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, पॉज करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हिंदी के अंदर लिखा हुआ है इसका आंसर। क्लियर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।